गुरु गीता का एक सूत्र कहता है, गुरु गीता अक्षरेकम तु मंत्र राजमिमं जपेत अन्ये च विविधा मंत्रा कलाम नारहंति षोडशीम। गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर मंत्र राज है, अन्य सभी मंत्र मिलकर भी इसकी 16वीं कला भी नहीं है। महत्व तो बताया गया, क्यों गुरु गीता का महत्व तो है, क्योंकि प्रकाश की यात्रा में जाना है, उस गुणातीत रूपातीत की यात्रा में जाना है, यही महत्व है। एक अक्षर भी इसका महत्वपूर्ण है। सारे मंत्रों की जो प्रक्रिया है वो सब इसमें शामिल हो जाती है, और कहते सभी मंत्र मिल जाएं तो भी उन इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि बोध का मुकाबला, जागृति का मुकाबला कुछ भी नहीं कर सकता। हम अगर अज्ञान में अपनी बेहोशी में ठहरे हैं तो हमारे लिए सारी चीजें लागू होंगे और हम उनसे विचलित भी होंगे, और उन्हीं में हम अपने रास्ते भी ढूंढेंगे जो हमें कहीं ले नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाएंगे, बेहोशी से होश की तरफ जाएंगे, तो स्वतः ही जीवन हमारे लिए रास्ते बनाएगा, क्योंकि रास्तों की तब आवश्यकता नहीं रह जाती। जो व्यक्ति सचेतन हो गया है, बोधपूर्ण हो गया है, रास्ते उसके चलने से बनते जाते हैं। तो किसी मंत्र की, किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी है। ये तुलनात्मक नहीं है, ये केवल बात कही जा रही कि जो ज्ञान है वो कितना महत्वपूर्ण है, बाकी हर प्रक्रिया उसके पीछे है। ज्ञान की एक किरण भी उतर आई किसी के भीतर तो फिर सब कुछ उसके पीछे पीछे चला आता है। Thank you.